हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रुद्रा चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। और मैं ज्योति द्विवेदी, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और जैसा कि आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो फाउंडेशन हैक्स पे है। और लोगों को, हर लेडीज को, गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जो मेरा फाउंडेशन है वो काला पड़ जाता है, पैची पैची लगता है। और क्या होता है, इतना सब कुछ फेस पे लगाने के बाद भी हमें मेकअप करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हम लोगों को मेकअप अच्छा नहीं लगता। और जो ऑयली स्किन वाली है उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि 1 से 2 घंटे बाद उनका पूरा मेकअप ऐसा लगता है निकल ही गया। तो इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन आज के मेरे इस वीडियो में है। तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्किप करके वीडियो देखा और आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। सबसे पहली बात, आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादातर आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस लोग हो गए हैं तो सब लोग शॉपिंग ऑनलाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को सेम अपना स्किन टोन पता हो तो ही आप लोग अपना जो भी फाउंडेशन है या कंसीलर है वो आप ऑनलाइन लें, वरना आप एक बार ही जाके मार्केट से अपनी सेम शेड का कंसीलर या फाउंडेशन परचेज कर लें, उसके बाद आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखने में और देखते हैं जब हम लोग फोन में या किसी भी चीज में, तो हम लोग सही शेड चूज नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा हमारे पास गलत शेड आ जाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसका भी सलूशन है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है। अब सबसे पहले मैं अपने फेस पे आइस क्यूब यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं अच्छे से मसाज करूँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स हैं और मेरी काफ़ी ऑयली स्किन भी है। और जिनके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आइस क्यूब का यूज़ करें, क्योंकि किसी किसी में ओपन पोर्स छोटे होते हैं और किसी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो मेकअप करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुले खुले से दिखते हैं। वैसे तो प्राइमर से काफ़ी हद तक हमारे ओपन पोर्स होते हैं ब्लर आउट हो जाते हैं, लेकिन जिनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है उनको आइस क्यूब का यूज़ ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करें। अब आइस क्यूब लगाने के बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा सुखा रही हूँ, जो भी एक्सेस वाटर है वो पोंछ नहीं रही हूँ, जिससे कि मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और ये प्रोसेस हमें 2 से 3 मिनट तक करना है, जब तक हमारा फेस अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आइस क्यूब लगा लिया है। अब मैं अपने फेस पे सीरम अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा ऑक्सीग्लो का सीरम है और काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है फ्लॉलेस लगे और काफ़ी ज़्यादा शाइनी लगे, ग्लोई लगे, तो आप लोग हर एक स्टेप को फॉलो करें, जिससे कि आपके मेकअप की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और उसके बाद आप लोगों को प्राइमर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइमर जो भी ओपन पोर्स होते हैं उनको भी ब्लर आउट कर देता है, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करता है। इसलिए इसी तरीके से आप लोग मेकअप करें और फाउंडेशन लगाएं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये मेरा मेवलिन का फिट मी फाउंडेशन आप लोग देख सकते हो, कुछ हल्का स्किन टोन लाइट लग रहा है। लाइट क्या लग रहा है, ये सेम मेरे स्किन टोन का है। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे कैसे अप्लाई कर रही हूँ, पहले मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए, आपको इसी तरीके से पहले अपने पूरे फेस पे लगाना है और एक ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका फेस पे जो भी फाउंडेशन लगाया है वो बिल्कुल पैची ना लगे, तो आपको इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डिप करना है और फिर उससे ब्लेंड करना है। और एक बात आपको बता दूँ, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी मेकअप रगड़ना नहीं, ड्रैग नहीं करना है, इस तरीके से डैप डैप करके ही यूज़ करना है। तो ये देखिए मैं किस तरीके से डैप डैप करके यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर का क्या फ़ायदा होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर से कोई भी प्रोडक्ट लगाने पे क्या होता है, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेता है और ज़्यादा हमारा फेस थुपा थुपा सा नहीं लगता है। इसलिए आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें, बाकी आप जिसके साथ कम्फर्टेबल हैं उससे आप कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना जो भी फाउंडेशन है अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो कितनी अच्छे से लग गया है, कहीं भी पैचेस से नहीं लग रहा है, कोई भी क्रीज नहीं लग रही है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपका फाउंडेशन मतलब आपकी स्किन टोन से लाइट हो जाए तो आप कैसे अपने स्किन टोन का बना सकते हैं। पहले तो आप लोग उसे चेक करें इस तरीके से अपने चीक्स पे लगा के कि आपके स्किन टोन का है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, इसको पीछे अपने हैंड पे लीजिए और इसमें थोड़ा सा कंसीलर जो आपके स्किन टोन का या उससे लाइट भी हो मिक्स कर दीजिए, तो सेम आपके स्किन टोन का फाउंडेशन बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सेम मेरे स्किन टोन का हो गया है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर
बाद जिनका फाउंडेशन लाइट आ जाता है तो वो इस तरीके से सेम अपनी स्किन टोन का बना सकते हैं। और अगर आपका अब क्या है, जैसे कि हम लोगों के मेकअप करने के बाद जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके नोज़ पे और अराउंड माउथ काफ़ी ज़्यादा स्वेट आ जाता है, तो उन लोगों को इस तरीके से एक हैंकी से जो भी एक्सेस स्वेट है वो निकाल देना, उसके बाद लूज पाउडर अपने फेस पे लगाना है जिससे कि जो भी आपके ऑयल होगा वो निकल जाएगा और आपका मेकअप जो होगा वो मैट फिनिश देगा। तो इस तरीके से आप लोग करिए। और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग चाहते हैं आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो तो कोई भी एक सेटिंग स्प्रे लें, उसको ब्यूटी ब्लेंडर पे इस तरीके से लेके अपने पूरे फेस पे इस तरीके से डैब डैब कर लें जिससे कि जो आपका मेकअप होगा लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफ़ी फ्लॉलेस होगा, ग्लोई होगा और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से मेकअप करें। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि जैसे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को क्या करना है, प्राइमर लगाने के बाद डायरेक्टली अपने फेस पे लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें, उसके बाद कोई भी जो भी प्रोडक्ट है वो लगाएं, तो इससे आपका मेकअप बिल्कुल स्वेट प्रूफ बनेगा। आई होप आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो रेड कलर का बटन है ना वो रेड नहीं अच्छा लग रहा, उसको ग्रे कर दीजिए। और जल्दी से फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए। और अगर मेरे ऐसे अच्छे अच्छे और न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो और मेरे और भी वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ एक बार चेक जरूर करना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।